समय हो चला है मध्य प्रदेश का, तो चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश से इस वक्त कौन सी खबर आ रही है। जैसा कि कहा जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसी को लेकर जागरूकता की जा रही है और कहा जा रहा है कि जब हम सावधानी छोड़ देते हैं, लापरवाह बन जाते हैं, तभी अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। ये खास बात पुलिस संवाद कार्यक्रम में कही गई, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही, और साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर आप अपराध को नजरअंदाज करते हैं तो अपराधी को बढ़ावा देते हैं। अधिकांश अपराध तब होते हैं जब हम सावधान रहने की जगह लापरवाह बन जाते हैं, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, दूसरे को भी सुरक्षित रखें, नजरअंदाज करने से खतरे बढ़ सकते हैं। ये बात खातेगांव TI सज्जन सिंह मुकाती ने स्टाइलिश पब्लिक हाई स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान छात्र छात्राओं को ये भी बताया कि किस तरह से हमारी सतर्कता के चलते अपराध होने से बच सकता है। SI भदौरिया ने ये जानकारी दी और महिलाओं को सुरक्षित रहने के साथ साथ सावधानी बरतने के बारे में भी कहा। बालिकाओं और महिलाओं को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कुछ खास हेल्पलाइन नंबर, जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 100 डायल, पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में भी जानकारी दी गई। इस खास कार्यक्रम में खातेगांव पुलिस सहायक केंद्र प्रभारी SI भदौरिया सहित स्कूल संचालक प्रदीप खंडेलवाल मौजूद रहे। चीजें ऐसी है जो आपको एक अपना विवेक, अपना कॉमन सेंस उस समय इस्तेमाल करने चाहिए कि आपके जैसे दादा दादी है, मम्मी पापा है, या आपके जो करीबी क्लोज परिजन है, बुआ है, नानी, मौसी, कुछ भी, इनके द्वारा आपके शरीर को छूना, मतलब आपसे दुलार करना एक अलग बात है। वो आपको समझ में आता है कि ये हमारे वेलविशर है और हमारे जो करीबी परिजन है, तो वो चीज आपको अलग महसूस होती है। लेकिन कोई, मैंने इसी बोला कि कथा करी जो कहने में कि हमारे चाचा हैं, दूर के भैया हैं, ये फलाने अंकल हैं, ये आपको खुद समझना चाहिए कि ये किस नियत से आपके शरीर को छू रहा है, तो आपको इसका विरोध करना चाहिए। उस आदमी से अगर एक बार उसने मंजिल ठीक धोखे से लग गया, ठीक है, लेकिन अगर वो इस चीज को डेलीवेटली बार बार करता है, आपको चीज समझ में आ जाती है, आपकी अभी इतनी हो गई है कि आप कौन अच्छे तरीके से हम लोगों को छू रहा है, कौन गलत नियत से छू रहा है।